एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं मिनिमलिस्ट के रोजिप सीड ऑयल को रिव्यू करने वाली हूँ एंड ऑल्सो आपको बताऊंगी कि आप इसको इफेक्टिवली अपनी स्किन एंड बॉडी पर कैसे यूज कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, रोजेस सीड ऑयल काफ़ी ज़्यादा नेचुरली पाया जाता है रोजेस से ही। ऑफकोर्स नॉर्मल रोजेस में भी होता है बट देन उसमें काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है। तो तीन प्रकार के ऐसे रोज होते हैं जो काफ़ी रिच सोर्स ऑफ रोजेस सीड ऑयल होते हैं, वो होते हैं रोजा रुबिजिनोसा, रोजा मुस्काटा एंड रोजा कनीना। तो जो मिनिमलिस्ट वाले यूज़ करते हैं वो होता है रोजा कनीना। ऑल्सो गाइज, ये एक तरह का ऑयल है जो सारे ही स्किन टाइप वाले इंजॉय कर सकते हैं एंड इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इससे आपकी स्किन काफी स्मूथ एंड नरिश्ड रहती है एंड ऑल्सो ये मॉइस्चराइजर का काम करता है एंड इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन ए। एंड गाइस, ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये सारे स्किन टाइप को सूट होता है ओनली बिकॉज इसकी नॉन कमीडोजेनिक स्केल पर रेटिंग काफी लो है, इट्स जस्ट वन। तो डेफिनेटली कोई भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, उनको ब्रेकआउट्स नहीं होंगे इससे। और गाइस, मेरी भी खुद की स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है तो डेफिनेटली ये आपके पोर्स को क्लॉक भी नहीं करता एंड ऑल्सो आपको कोई ब्रेकआउट नहीं होंगे। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे भी एक भी बार इससे कभी भी एक्ने नहीं हुआ है। ऑलराइट गाइस, बिफोर गेटिंग इनटू द एप्लीकेशन पार्ट, थोड़े बहुत बेसिक्स आपको बताना चाहूंगी अबाउट मिनिमलिस्ट के रोजिप सीड ऑयल। तो सबसे पहले यू ऑल कैन सी कि ये मिनिमलिस्ट की स्टैंडर्ड पैकेजिंग में आता है, काली कलर की बॉटल है, ग्लास की बॉटल है ये। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट है ना, जल्दी रैंसिड भी नहीं होगा, ना ही इसको कुछ भी सनलाइट के वजह से इशू होगा। एंड ऑल्सो इट कम्स विद अ गुड ड्रॉपर, आप देख सकते हो ऐसा ड्रॉपर का एप्लीकेटर आता है इसके साथ। ऑल्सो गाइज, मिनिमलिस्ट बताता है कि इनका ये प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री है, विच इज नॉट ट्रू। इसकी जो भी नेचुरल फ्रेग्रेंस है वो डेफिनेटली इसमें है बट इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। तो इसकी अगर मैं नेचुरल फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो वो हल्की सी सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है बट वो इतनी माइल्ड है कि वो उसको लगाते ही लाइक यू नो एक मिनट के अंदर चली जाती है, तो इट विल नॉट बॉदर यू। ऑल्सो ये ऑयल कोल्ड प्रेस्ड है विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग, तो कोई भी और इसमें रिएक्शन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। नाउ गाइस, इनके क्लेम्स की बात करूं, जैसे कि इन्होंने बताया है कि ब्राइटन्स, इवन्स द स्किन टोन वगैरह, तो वो ये डेफिनेटली करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट बूस्टिंग कोलाजन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोजेप सीड ऑयल इज वेरी रिच इन टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, जैसे कि लिनोलेक, लिनोलेनिक और ओलेइक एसिड। तो ये सारे एसिड्स आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होते हैं ताकि आपके कोलाजन को वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर सके एंड आपकी स्किन की इलास्टिसिटी या जो प्लम्पनेस होती है ना वो बिल्कुल भी कम ना हो। ऑल्सो गाइज, इन्होंने इसमें जो एक्स्ट्रा वाला विटामिन सी ऐड किया है विच डेफिनेटली हेल्प्स टू लाइटन योर स्कार्स, थोड़ा ज़्यादा जल्दी काम करता है दूसरे ऑयल से आई मस्ट से, बिकॉज ये जो इनका विटामिन सी है ये लोग क्लेम करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो वो जल्दी से यू नो फोटो सेंसिटाइज नहीं हो जाएगा, ना ही आपको किसी और टेम्परेचर पर इसको स्टोर करना पड़ेगा वगैरह। सो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता जल्दी। वन मोर थिंग गाइज, आपको इसके लिए थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा बिकॉज इट टेक्स मिनिमम 8 weeks टू वर्क, बट अगेन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कभी कभार कुछ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स कंपनी के दिए हुए टाइम से भी ज़्यादा जल्दी काम कर लेते हैं, सो इट माइट वर्क सूनर एज वेल, विच डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ फॉर मी विद इन 1 month मुझे रिजल्ट दिख गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना ही देती हूँ फाइनली। और गाइज, इस ऑयल की शेल्फ लाइफ इज लाइक 6 months, तो 6 महीने तक कम से कम ये ऑयल खराब नहीं होता एंड आपका डोंट वरी उससे पहले ही खत्म हो जाएगा अगर आप रेगुलरली इसको यूज करते हो। ऑल्सो गाइज, इट इज रिकमेंडेड टू यूज दिस ऑयल एट नाइट ओनली बिकॉज अगर आप इसको मॉर्निंग में लगाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली अपनी बॉडी पर लगा सकते हो बट डोंट अप्लाई इट ऑन योर फेस, वरना आपकी सनस्क्रीन भी ब्रेक हो जाएगी एंड एनीवे आपको ये रिमूव करना पड़ेगा जितनी बार आप अपनी सनस्क्रीन रीअप्लाई करोगे। सो इट्स बेस्ट दैट यू अप्लाई इट एट नाइट। ऑल्सो टीनेजर्स भी इसको लगा सकते हैं, उनको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, अगर आप 16 ईयर्स एंड अबव हो तो आप डेफिनेटली इसको लगा सकते हो। ओके, तो अब मैं इसके यूजेस की बात करूंगी। तो सबसे पहले यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट यू कैन यूज दिस ऑयल ऑन योर हेयर,
नाउ हेयर इसीलिए नॉट दिस वन इन पर्टिकुलर कोई भी रोजेप सीड ऑयल बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा यू नो विटामिन सी दिया गया है. तो जस्ट इन केस आपके पास कोई और विटामिन सी के बिना वाला रोजेप सीड ऑयल है प्योर वाला, तो आप अपने हेयर के टिप्स पर उसको एज अ सीरम भी लगा सकते हो. सो इट इज़ दैट इफेक्टिव. वो आपके बालों को नरिशमेंट देगा एंड उनको सॉफ्ट और अच्छे से मतलब मैनेजेबल बना देगा. एंड अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज दिस वन ऑल्सो, दिस वन यू कैन अप्लाई एट योर क्यूटिकल्स. तो आप अपने नेल्स के पास उसको लगा सकते हो ताकि आपके नेल्स के पास वाला जो क्यूटिकल रीजन है वो बिल्कुल भी ड्राई ना रहे. अदर देन दैट अगर आपको चाहिए कि आपके पैरों को भी अगर आपको क्रैक हील वगैरह की प्रॉब्लम है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर रोजहिप सीड ऑयल ओवर देयर. ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा नरिश करेगा. बट इसके अलावा इसके ट्रेडिशनल यूजेस तो ऑफकोर्स फेस के लिए हैं, ताकि अगर आपको अपने स्कार्स वगैरह फेड करने हैं तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसको कैसे आपको फेस पर लगाना होता है. तो सबसे पहले आई अप्लाई इट ऑन माय फेस टू फेड अवे माय एक्ने स्कार्स एंड मार्क्स. तो आप इस फुटेज में देख सकते हो कि मैं अपनी स्किन को आपको क्लोजअप लुक दे रही हूँ. तो जहाँ जहाँ मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क मार्क्स थे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हल्के हो गए. तो आप देख सकते हो काफ़ी लाइट ब्राउन या थोड़े रेडिश जैसे दिख रहे हैं. इट्स बिकॉज मुझे ऑन एंड ऑफ एक्ने आता ही रहता है, तो वो जब जाता भी अपने आप तभी भी वो मार्क्स छोड़कर ही जाता है. सो आई यूज़ दिस ऑयल एट नाइट. तो आपको दिखा रही हूँ कि 3 से 4 ड्रॉप्स ही मैं यूज़ करती हूँ. उसको या तो कभी पाम पर ले लेती हूँ या तो डायरेक्टली फेस पर लगा देती हूँ एंड अच्छे से इसको मसाज कर सकती हूँ. एंड ऑल्सो जिन जिन लोगों को आदत है फेस टूल्स यूज़ करने की, जैसे कि जेड रोलर, ग्वाशा वगैरह, वो लोग भी इसको एज अ फेस मसाजिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो. ऑल्सो आप इसको अपने रेगुलर CTM रूटीन में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो रात के टाइम पे. तो सबसे पहले आप अपना फेस रेगुलरली वॉश करके उस पर कोई मॉइस्चराइजर लगा सकते हो एंड कोई सीरम भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं नाइसिनमाइड सीरम यूज़ कर रही हूँ बिकॉज नाइसिनमाइड एंड विटामिन सी एक साथ काफ़ी अच्छा काम करते हैं. सो मैं इसके ऊपर इस ऑयल को लगाती हूँ. बट अगेन आपको कोई और सीरम पसंद हो जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, बट कोई और यू नो रेटिनॉल वगैरह मत इसके साथ कंबाइन करना. जस्ट नाइसिनमाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो एट नाइट. अभी यहाँ मैं इसको अपनी कोनियों पर लगा रही हूँ. तो मैं एक राइड पर गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, शिरडी राइड के लिए गई थी एंड उस बात को काफ़ी महीने हो चुके हैं, बट मैं गिर गई थी एंड ये जो मेरा स्कार है वो जा ही नहीं रहा है. तो इस पर भी मैं इस ऑयल को यूज़ करती हूँ, तो ये काफ़ी हद तक फेड हुआ है. ऑल्सो मैंने इसको आज अपने फाउंडेशन के अंदर भी लगाया है. आप देख सकते हो मेरा फाउंडेशन अच्छा लग रहा है ना. सो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस ब्रांड से एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. तो अगर आपको ये परचेज करना हो तो बिंदास जाके कर लो. आई रियली रियली लाइक इट एंड इट्स, मैं इसको रेटिंग दूंगी 5 में से 4 1 मार्क्स इसीलिए काट रही हूँ ओनली बिकॉज इन्होंने जो एक्स्ट्रा ऑयल या एक्स्ट्रा VCIP डाला है उसके वजह से आई कांट यूज इट ऑन माई हेयर. अदरवाइज आई एम गुड टू गो विद दिस. सो आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा एंड आपको ये हेल्पफुल लगा होगा. सो अगर पसंद आ रहा है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो कॉमेंट्स दे देना अच्छे अच्छे, या जो भी क्वेश्चन हो कॉमेंट बॉक्स में डाल देना. आई विल सी यू इन माई न्यू वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.